हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी अपने जो हैं एग्ज़ाम्स को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तो इसी अच्छे को करने के लिए हम बहुत सारे सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपके लिए भी हम यहाँ कुछ सैम्पल पेपर्स लेकर आए हैं। तो ये सैम्पल पेपर आपके लिए मैग्नेट बेन्स में फुल्ली अवेलेबल हैं। तो अब आपके लिए यहाँ पर सिर्फ पेपर ही नहीं, क्लास किंडरगार्टन से लेकर ट्वेल्थ तक के सारे ही सिलेबस, यहाँ तक कि आपको ओलंपियाड, एनटीएससी, आपके सभी सब्जेक्ट के सारी ही चीज़ें पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको हमने दो जो है वीडियोस फ्री में दिए, उसके बाद थर्ड वीडियोस के लिए हम आपसे कह रहे हैं पे करना है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आगे आपके लिए नई नई चीज़ें और लेकर आते रहें। तो इसी श्रृंखला में जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपके टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर का पीडीएफ आपके लिए पहले भी अवेलेबल हो चुका है, एक तो इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, तो आप सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्लास ट्वेल्थ हिंदी कोर वितान दो, वो जो हमारी बुक है पूरक पुस्तिका हिंदी की वितान भाग दो, वो उसका पार्ट है चार डायरी के पन्ने। ये पार्ट जो है क्या था, लिखा था एन फ्रैंक जी की, जो है एन फ्रैंक जो है उन्होंने डायरी लिखी थी। उसी डायरी में किस तरीके से उन्होंने अज्ञातवास दिया, नाजियों क्या किस तरीके से उन्होंने के ऊपर अत्याचार किया और कैसे सारी चीज़ें उन लोगों को झेलनी पड़ी, सभी कुछ जो है इस डायरी में उन्होंने रखा था। और हमने ये पूरे पढ़ा भी है ये पार्ट। तो इस पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन हम पहले भी आपके लिए ला चुके हैं, उन्हें आप कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो है हम फटाफट टेस्ट पेपर, क्योंकि ये टेस्ट पेपर तो आपको पहले भी मिल चुका है, तो इसके तो सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो क्या है प्रश्न एक हमारे पास है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी संख्या एक से लेकर दस तक जो प्रश्न है वो हमारे बहुविकल्पीय हैं, प्रश्न हैं। और उसके बाद वस्तुपरक प्रश्न शुरू होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने दोनों ही तरीके के प्रश्न आपको इस टेस्ट पेपर में दिए थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते जाइए आपके आंसर सही आते हैं या नहीं। तो प्रश्न संख्या एक है, डायरी के पन्ने पाठ में नायिका एन फ्रैंक का स्वभाव अंतर्मुख किस कारण हो गया था, मतलब वो अपने आप में ही रहने लगी थी, इसका क्या कारण था। तो पहले ही इसका ऑप्शन जो दिया है, उसकी बातों को कोई समझने वाला ना होने के कारण, उसके स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त ना कर पाने के कारण, उसकी परिस्थितियां सहज ना हो पाने के कारण, उसकी पढ़ाई सही ढंग से ना हो पाने के कारण। तो कहने को तो वहाँ बहुत सारे लोग थे भाई, दो परिवार रह रहे थे, एक तो एन फ्रैंक का परिवार था, ऊपर वानदान परिवार था, सभी लोग थे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी कोई भी वहाँ पर उसको समझने वाला नहीं था। वो अपनी बात बताए भी तो लोग उसका मजाक उड़ा देते थे या कुछ ऐसी टाल देते थे। तो ये कहता कि इसीलिए वो अंतर्मुख हो गए और इसीलिए उन्होंने डायरी लिखना भी शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि कोई वहाँ पर उनको समझ नहीं रहा था। प्रश्न संख्या दो है, डायरी के पन्ने के पार्ट के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में डचों की क्या भूमिका रही, जो डच लोग थे उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या भूमिका रही, आपको इस पार्ट के आधार पर बताना है। तो ऑप्शन क्या है, डचों ने लोगों का बहुत सहयोग किया था, डचों ने लोगों की विश्वस्तता का सबसे अधिक लाभ उठाया, डचों ने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की, डचों ने लोगों को ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराया। तो पाठ के अनुसार अगर देखिए तो इसका सही ऑप्शन है, डचों ने लोगों की विश्वस्तता का सबसे अधिक लाभ उठाया था, क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे और इसी बात का विश्वास उन्होंने का फायदा उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया उठाया था। प्रश्न संख्या तीन है, एन फ्रैंक तथा वान परिवार अज्ञातवास में 4:30 बजे के बाद पढ़ क्यों नहीं पाता था। तो ये सभी जो हैं एक ऑफिस के में रहते थे और गोडाउन में भी थे, तो मगर 4:30 बजे के बाद अगर वो कुछ पढ़ना लिखना चाहें तो वो क्यों नहीं कर पाते थे, क्या कारण था इसका। तो क्या है, क्योंकि उस समय उन्हें उल्टी सीधी हरकतें सूझती थी, क्योंकि उस समय घर में अंधेरा करना होता था ताकि बाहर के लोगों को वे दिखाई ना दें, क्योंकि उस समय रात जल्दी हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय बाहर से हमला होना आरंभ हो जाया करता था।
तो इसका जो सही कारण है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि उस समय घर में अंधेरा करना होता था ताकि बाहर के लोगों को वो दिखाई दे, क्योंकि वो अज्ञातवास में थे अर्थात छिपे हुए थे। तो क्या होगा अगर अंदर लाइट जलेगी तो बाहर के लोग उन्हें आसानी से देख लेंगे, इसलिए 4:30 बजे के बाद पूरी तरीके से जैसे माहौल में आपका नेचर में शाम होने के साथ साथ अंधेरा होने लगता है इसलिए लाइट्स जलाना प्रतिबंधित रहता था, इन लोगों को नहीं जलाना होता था, नहीं तो बाहर के लोगों को ये दिखाई दे जाएंगे कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, एन मिसेज वानदान की हर कहानी को सुनकर ऊब क्यों जाती थी, क्या बात थी जो कहानी सुनती थी और बहुत ही ऊबन होने लगती थी, क्योंकि उसकी कहानियाँ उबाऊ होती थी, क्योंकि कहानियाँ एन की समझ से बाहर होती थी, क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी थी, क्योंकि एन को कहानी सुनना पसंद नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन है क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी थी, मतलब बात पहले ही सुनी हुई, पहले भी मिसेस वान सुना चुकी थी और फिर से वो सुना रही थी इसलिए वो उसके लिए उबाऊ रहती थी। प्रश्न संख्या 5 है, किशोरावस्था में एन को क्या करना बहुत पसंद था, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनिए। भाई वो एक किशोरावस्था से गुजर रही थी तो उस समय उन्हें क्या क्या करना बहुत पसंद आता था, नए गाने सुनना और नृत्य करना, अखबार पढ़ना और कहानी लिखना, बालों का स्टाइल बनाना, खरीदारी करना और घर सजाना। तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद था जब वो करती थी, बालों का स्टाइल बनाना, क्योंकि जब वो मैगजीन आती थी जब तो वो उसमें से देखती थी और देखने के साथ ही फिल्म कलाकारों ने जो स्टाइल बनाई हुई थी वो स्टाइल वो बना लेती थी, जिससे लोग सभी उनको चढ़ाते भी थे और थोड़ी देर में वो अपने बाल, क्योंकि चढ़ाने और हंसी मजाक में उनको चिढ़ लगती थी और वो अपने बालों को बिगाड़ दिया करती थी इसलिए, मगर इनको स्टाइल बनाना बहुत पसंद था। प्रश्न संख्या 6 है, एन फ्रैंक के अनुसार पुरुष नारी पर किस आधार पर शासन करते हैं, मतलब पुरुष किस आधार पर नारियों पर शासन करते थे जो उन्होंने डायरी में लिखा है उसके आधार से, मानसिक क्षमता के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, आत्मिक क्षमता के आधार पर। तो अगर हम उनकी क्या कहते हैं जो उन्होंने लिखा है उसके आधार पर हम देखें तो वो जो है शारीरिक क्षमता, क्योंकि पुरुषों की शारीरिक क्षमता स्त्रियों से ज़्यादा होती है और इसी आधार से वे अपने आप को सुपीरियर मानते थे और हमेशा औरतों को दबा के रखने का कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 7 है, डायरी के पन्ने पाठ की नायिका एन फ्रैंक अपने आप से बातें क्यों किया करती थी, क्या कारण था वो अपने आप से बातें करती थी, क्योंकि उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उसे संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि वह एक घमंडी लड़की थी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, क्योंकि उनकी भावनाओं को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। माना कि पीटर को वो बहुत प्यार करती थी लेकिन पीटर भी उनकी उनको सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से प्यार करता था, वो उन्हें एक टीनेजर लव की तरह प्यार नहीं करता था और ये अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाती थी और ना ही किसी और से चीज़ों को शेयर कर पाती थी, इसलिए जो है वो अपने आप से ही उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, एन का एकाकीपन कैसे दूर हो गया, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनिए। अब वो जो उनका अकेलापन था, कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो फिर ये एकाकीपन उन्होंने दूर करा कैसे किया, पीटर को मित्र के रूप में पाकर, मिस्टर डसेल की कहानियां सुनकर, डायरी लिखकर, घर के कामों में हाथ बटाकर। तो इन्होंने ये अकेलापन दूर किससे किया था, डायरी लिखकर, वही डायरी जो हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं उनकी डायरी, भाई एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में आज पढ़ी जाती है लेकिन उन्होंने जब लिखनी शुरू करी थी तो उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लिखी थी। प्रश्न संख्या 9 है, एन फ्रैंक पीटर को केवल एक अच्छा दोस्त क्यों मानती थी, क्यों उन्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, तो क्या है, क्योंकि प्रेमी के रूप में पीटर उसे पसंद नहीं था, क्योंकि पीटर का स्वभाव उसके स्वभाव से भिन्न था, क्योंकि पीटर एक डच सैनिक था, क्योंकि एन फ्रैंक अपने जीवन में प्रेम को महत्व नहीं देती थी। तो सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि पीटर का स्वभाव उनके स्वभाव से भिन्न था, जैसा उनका नेचर था उससे थोड़ा सा उनका भिन्न था। प्रश्न संख्या 10 है, एन फ्रैंक की डायरी का कौन सा अंश आज भी प्रासंगिक लगता है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर सटीक कथन का चयन कीजिए, मतलब ऐसा कोई कथन जो उस समय भी सही था और आज के समय में भी सही है,
इतना उस समय द्वितीय विश्व के युद्ध के समय जब उन्होंने डायरी लिखी तब भी वो सही था और आज के समय में भी वो चीज़ सही मानी जाती है, वो क्या है? तो ये था युद्ध के वर्णन का चित्रण होने का प्रसंग, दूसरा स्त्रियों के अधिकारों की बातें करने का प्रसंग, प्रेम संदर्भ में स्वतंत्र विचार रखने का प्रसंग, संस्कार की तानाशाही का प्रसंग। तो सही ऑप्शन है स्त्रियों के अधिकारों की बातें करने का प्रसंग। जब अधिकारों की बात होती है तो जो वो बात करी है वो आज भी स्त्रियों के अधिकारों में उतना हास है, उनको उतने अधिकार प्राप्त नहीं है जितने होने चाहिए, यानी कि बराबरी का जो एक अधिकार होता है वो प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव खत्म और सब्जेक्टिव शुरू होते हैं। तो अभी तक तो टिक मार्क का था तो आपने देख लिया, अब यहाँ से जो आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि हम लोगों की भाषा में फर्क हो जाता है, क्योंकि सभी के लिखने का तरीका एक अलग अलग रहता है। मगर ये देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 11 है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है। इन प्रश्नों में दोनों का अंतर मिट गया है, इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति और असहमति तर्क पूर्वक व्यक्त कीजिए। तो जो एक कथन ये दिया गया है कि भाई एक ऐतिहासिक दस्तावेज तो है ही है, मगर जो है एन की जो जिंदगी में जो उथल पुथल चल रही थी हमें वो भी इन चीज़ों से पता चलती है। तो इन दोनों प्रश्नों से दोनों का अंतर मिट गया है, मतलब अगर हम दोनों चीज़ें देखें तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर भी, क्योंकि एक सामाजिक तौर पे भी उथल पुथल थी और एन के जीवन में भी उथल पुथल इसी कारण से मच रही थी। तो आपको यहाँ पर इस जो जिन बात स्टेटमेंट दिया गया आप इससे सहमत है या असहमत है, दोनों में से कुछ भी हैं आप उसका उसी के तर्क के साथ उत्तर देंगे। कैसे लिखेंगे, एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, इसमें जहां दूसरे विश्व युद्ध में यहूदी समाज पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन है वहीं उसके निजी जीवन के सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी चित्रण है। इन प्रश्नों में दोनों का अंतर खत्म हो चला है, उसने अपनी निजी समस्याओं और दुखों का भरपूर वर्णन किया है। एन को उसके परिवार के सदस्य भी समझ नहीं पाते और उसे घमंडी मानते हैं। अपनी ऐसी सामाजिक परिस्थितियों एवं उनका अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रभावशाली वर्णन भी एन ने किट्टी को संबोधित अपनी डायरी में लिखा है, अतः मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। मतलब ये चीज़ें जो कथन दिया गया है कि एन की डायरी अगर ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख भावात्मक उथल पुथल का भी है। तो दोनों ही प्रश्नों का अंतर हमें यहाँ पर स्पष्ट जो है वो दिखाई देता है, अंतर मिट भी गया है आप, क्योंकि युद्ध के बारे में भी बताया है और साथ ही अपने सामाजिक जीवन के बारे में भी बताया है उन्होंने। प्रश्न संख्या 12 है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी के रूप में क्यों लिखी है, क्या कारण है कि उन्होंने किसी और को संबोधित करके डायरी नहीं लिखी, उन्होंने अपनी गुड़िया किट्टी को ही संबोधित करके लिख दी, ऐसा क्या कारण था, तो उसको आपको लिखना है। एन एक संवेदनशील लड़की है, 13 वर्ष की उम्र से ही उसे दुख बांटने के लिए किसी साथी की आवश्यकता पड़ने लगी, परंतु अपने मन की बात किससे कहे, अब तक उसे ऐसा कोई मिला नहीं जिससे वह अपने मन की बात कह सके, इसलिए उसने एक सुंदर तरीका ढूंढ निकाला, वह था अपनी प्यारी निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित कर एक डायरी लिखना। लोग एन को घमंडी और अक्कड़ समझते थे और सब लोग एन के प्रति उपदेशात्मक व्यवहार ही रखते थे। अब क्या था ना भाई, जब बढ़ता बच्चा होता है कोई भी हो, किसी को भी फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। अब चूंकि वो अज्ञातवास में थे तो कोई भी उनका फ्रेंड अच्छा नहीं बन पा रहा था और सबसे छोटी होने के कारण सब उस पर उपदेश भी देते रहते थे, उसे सब लोग घमंडी समझते थे, तो कोई किसी को भी वो उतना नज़दीक नहीं पा रही थी जिससे वो अपने मन की बात को बोल सकती। तो उसे सबसे अच्छा तरीका लगा कि वो अपने मन की बातों को डायरी में लिखे। अब डायरी में लिखे तो वो किसको संबोधित करे, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके बहुत करीब होता जिसको संबोधित करके वो लिखती। तो उसकी जो गुड़िया थी उसे लगा कि मैं इसको जो है संबोधित करके, भले वो निर्जीव गुड़िया थी लेकिन वो उसके बहुत करीब थी, उससे भावनात्मक अटैच थी, इसलिए उन्होंने किट्टी को ही ऐसा गुड़िया को मानकर लिखना शुरू किया।
पीटर को एन अच्छा दोस्त समझती थी तथा उसे प्यार भी करती थी, लेकिन पीटर ने कभी उसके मन में झांकने की कोशिश ही नहीं करी। सभी सवालों का हल एन ने डायरी में लिखकर खोज निकाला। इससे एन का एकाकीपन भी दूर हो गया। यदि कोई ऐसा होता जो एन को उसके मन की गहराइयों तक समझ पाता तो शायद एन को कभी डायरी लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, परंतु ऐसा ना हो सका। इसलिए एन ने अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी को ही अपना सहारा बनाकर अपनी भावनाओं को डायरी में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पीटर भी एक तैग ऐसा था जिसको वो समझ रही थी, वो पीटर को समझ रहे थे, लेकिन तब भी इतनी नज़दीकी नहीं थी कि वो अपने मन की बातें बोल सकते। और अगर उनके में कोई होता तो शायद उनको डायरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने मन की सारी बातें अगर उस व्यक्ति को बता देती तो डायरी की ज़रूरत होती ही नहीं। तो यहाँ पर कोई नहीं था जो उनको समझता, इसलिए उन्होंने डायरी लिखी। और गुड़िया जो है एक निर्जीव थी भले, लेकिन उनके बहुत करीब थी, इसलिए किट्टी को ही उन्होंने संबोधित कर दी वो डायरी। अब है प्रश्न संख्या 13। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों की तत्कालीन पारिवारिक सामाजिक स्थितियों की चर्चा की है। उनका उल्लेख करते हुए बताइए कि आज उन स्थितियों में क्या परिवर्तन आए हैं। उस समय स्त्रियों की जो परिवर्तन जो स्थितियां थी वो उन्होंने डायरी में बताई, और आज की स्त्रियों की स्थितियां आप जानते हैं। तो अब आपको तुलनात्मक एक प्रश्न पूछा गया, आपको वही तुलना करते हुए इसका उत्तर भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। डायरी के पन्ने पाठ के अंतर्गत एन ने समाज में स्त्रियों की दशा को बहुत दयनीय बताया है। वह मानती है कि पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की शारीरिक अक्षमता का सहारा लेकर उन्हें अपने से नीचे रखता है, पर आधुनिक समाज में अब स्त्रियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। एन को लगता है कि पुरुष स्त्रियों को घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं जिससे वे उन पर अपनी हुकूमत चला सकें। एन के विचारों के अनुरूप स्त्रियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वह स्त्री जीवन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती हैं। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने देखा था अपने आसपास स्त्रियों को कि वो शारीरिक क्षमता रखते थे, ज़्यादा रखते थे, और वो चाहते थे कि स्त्रियाँ सिर्फ घर तक सीमित रहे, बाहर जाकर कार्य नहीं करें, क्योंकि बाहर जाकर कार्य करेंगी तो वो स्वतंत्र हो जाएंगी और वो उनके वश में नहीं रहेंगी। तो ये वहाँ उस समय के लोगों की सोच थी, मगर आज की स्थितियाँ पहले से बदली हैं। आज ऐसा नहीं है, आज स्त्रियाँ हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर क्या है, वस्तुतः एन के उपरोक्त विचार वर्तमान जीवन मूल्यों के अनुसार अत्यधिक प्रासंगिक है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ चुका है। उन्हें समाज में पुरुषों के समकक्ष माना जाने लगा है। पुरुषों के बराबर ही उन्हें अधिकार एवं सम्मान प्राप्त हैं। वे पुरुषों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं। अब वे पुरुष की सहयोगिनी बन गई हैं। आजकल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निजी क्षेत्र की कंपनियों की सीईओ, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, पायलट, सेना अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सिविल सेवक आदि सभी प्रमुख पदों पर वे काबिज हैं। यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं आप देखेंगे कि उस पर कोई ना कोई फीमेल कैंडिडेट है या रह चुका है या आने वाले समय में रहेगा भी। तो ऐसा नहीं है कि आप स्त्री हैं तो आप इतने महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत नहीं रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज स्थितियों में बदलाव होने के कारण स्त्री सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने परिश्रम एवं बुद्धिमत्ता से समाज में उल्लेखनीय स्थिति प्राप्त की है। पुरुष वर्ग में भी यह समझ विकसित हो गई है कि यदि समाज को निरंतर प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाना है तो स्त्रियों का सहयोग अपरिहार्य है। तो आज जहाँ स्त्रियों की स्थिति बदली है तो उसका कारण है पुरुष की सोच में। पुरुष अब ये समझ गए हैं कि अगर हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को आगे लेके चलना है तो स्त्रियों को भी हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर ने हमें साथ बनाया है तो किसी उद्देश्य से बनाया है, तो हर जगह हमारा साथ होना जरूरी है। तो उसी तरीके से देश को आगे ले जाने में भी स्त्री पुरुष दोनों का ही सहयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, एन फ्रैंक के विचारों के अनुरूप नारी स्वतंत्रता से यदि आप सहमत हैं तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जैसे एन ने बोला कि नारियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए अपने विचारों के अनुसार कार्य करने, रहने और हर जगह हर क्षेत्र में जाने की उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए स्त्रियों के साथ? तो आपके जो विचार हैं उन्हें आप लिखेंगे, पर कैसे ये देखिए। एन फ्रैंक के विचारों के अनुरूप नारी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं भी इस विचार से पूर्ण तरह सहमत हूँ, क्योंकि नारी ने पूर्व समय में बहुत बलिदान दिए हैं।
फिर समाज में उसको इस बलिदान के बदले ना तो सम्मान ही मिला और ना ही अधिकार मिले। लेकिन अब आधुनिक युग में स्त्रियों ने घर से बाहर भी काम करना शुरू कर दिया है। अब वह शिक्षा, नौकरी व व्यवसाय में अपना स्थान पुरुषों से भी आगे बना रही हैं। अब कुछ पुरुष भी समझ गए हैं कि यदि समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो स्त्रियों को साथ रखना अपरिहार्य है, अन्यथा समाज स्त्रियों के योगदान के बिना यथावत नहीं रहेगा। अतः मैं भी नारी स्वतंत्रता के अधिकारों को एन फ्रैंक की तरह बिल्कुल समझता हूँ। तो एन जो अगर बोलती हैं कि नारी की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो हम इस बात से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि समाज में हर एक क्षेत्र में अगर नारी कार्य करेगी तो वो भी सुचारू रूप से ही कार्यरत रहेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। अपने अनुमान से बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहरों की क्या परिस्थितियां रही होंगी। अब हमने युद्ध का जो वर्णन है वो एन की डायरी के अनुसार देखा समझा है। अब आपको उस समय शहरों की क्या परिस्थिति थी, भाई चोर हुए, आपने चोरी का वर्णन भी देखा उसमें, किस तरीके से लोग घरों में छुपे हुए थे उनके, और कैसे नाजियों द्वारा जो है उनको जो है यातना घरे भी ले जाया जाता था। तो बहुत सारी जगह उन्होंने शहरों के बारे में बताया, तो आपको उन्हीं शहरों की स्थितियाँ बतानी है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों की विवशता का सबसे अधिक फायदा डचों ने उठाया। जो लोग बाजार में खरीदारी करने जाते थे, डच उनकी खड़ी साइकिल, कारों की चोरी कर लेते थे। चोरी की घटनाएं इतनी अधिक हो गई थीं कि लोगों ने डर के कारण अंगूठी पहनना भी छोड़ दिया था। छोटे बच्चे भी खिड़की तोड़कर घर का सामान ले जाते थे। गलियों और नुकड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां तक लोग चुरा ले जाते थे। कपड़े चोरी होने पर उन्हें लौटाने के लिए अखबारों में इनाम देने के विज्ञापन आए दिन छपते रहते थे। तो किस तरीके से, मतलब अगर आप 5 मिनट के घर से बाहर गए हैं तो आपके घर का पूरा साफ हो जाता था। अगर आप मोटरसाइकिल या साइकिल खड़ी करके दुकान से सामान लेने गए तो पीछे से साइकिल मोटरसाइकिल आपकी गायब हो जाएगी। लोग अंगूठियां नहीं, क्योंकि उनको जो है चाकू और बंदूक दिखा के उनकी अंगूठियां छीन ली जाती थी, चेनें छीन ली जाती थी। तो ये सब जो है ना इतना भयंकर हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि सब चीज, और सबसे ज्यादा इसका फायदा डचों ने उठाया था। तो वही चीज, क्योंकि लोगों ने डच पे बहुत जो है विश्वास किया था, और मगर उल्टा उन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोगों को बहुत परेशान किया था। प्रश्न संख्या 16 क्या दिया है, औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ से गुजरती है और संघर्ष करती है, बहुत ज़्यादा मजबूत और बहादुर सिपाही से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर नहीं करते। तो ये एक वक्तव्य था जब रेडियो पर जो है उन्होंने हिटलर और सिपाहियों की बातें सुनी थी, तो उसी से उन्होंने बताया कि स्त्रियां जो हैं किस तरीके से प्रकृति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, भाई गर्भवती औरत को गर्भ धारण कर 9 महीने धारण करने के बाद उसे जन्म देने की जो तकलीफ होती है, बच्चों को पालने का जो होता है जिम्मेदारी, वो सभी निभाती है और कष्ट सहती है, लेकिन उसका कहीं पर नहीं, लेकिन इन सिपाहियों का बहुत ही वाहवाही होती है। तो उसी पर जो है ये वक्तव्य एन ने लिखा था। अभी वक्तव्य है, इसी पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, क्या है, का है, मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए औरत किन तकलीफों से गुजरती है जिनसे मर्द नहीं गुजरता, कौन सी वो तकलीफें हैं। तो ये तकलीफें क्या हैं, मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महिलाओं को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें बच्चों को जन्म देते समय प्रसव वेदना सहनी पड़ती है तथा शिशुओं का अत्यंत कठिनाई से पालन पोषण करना पड़ता है। महिलाएं ही शिशुओं और बालकों की देखभाल करती हैं, उन्हें घर का काम करने के साथ साथ बच्चों का पालन पोषण भी करना पड़ता है। तो ये है प्रकृति की निर्दयता, क्योंकि प्रकृति ने ये कार्यभार औरत को ही दिया है कि वो ही बच्चे को जन्म देगी जिससे प्रकृति आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। नहीं तो पता चला ये तो मानव जाति ठप हो गई, मानव जाति आगे बढ़ेगी नहीं, कैसे बढ़ेगी। तो इसको निरंतर बनाए रखने का कार्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। फिर उसके बाद जन्म के बाद उनका पालन पोषण सब कुछ करना भी स्त्रियों के ऊपर होता है, तो बहुत सारी तकलीफें स्त्रियों को झेलनी पड़ती हैं। अब इसी पे जो खा हमारे पास है, क्या है,
समाज में औरत को ज्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए आपके विचार से और क्या क्या किया जाना चाहिए? जितना उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जितना स्थान मिलना चाहिए समाज में उतना नहीं है, उसको और बढ़ाने के लिए आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं? तो अब यहाँ पर सजेशन सब आप सबके अलग अलग रहेंगे, तो उन्हें आप बहुत समझ कर लिखिएगा। लिखना कैसे है ये मैं आपको बता सकती हूँ, देखिए कैसे है। समाज में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देने के लिए उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें नौकरी के समय गर्भावस्था एवं प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए तथा महिलाओं में बलात्कार करने वालों तथा उन पर एसिड फेंकने वाले लोगों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, महिलाओं को राजनीति में भी भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा प्रथा बंद होनी चाहिए तथा उन्हें मनचाहा वर चुनने की सामाजिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। तो देखिए सब सब जिस जिस एरिया में रहते हैं आपको अलग अलग चीज़ें हैं, खबरें हैं, बहुत सारी आप सुनते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप जो भी आपको लगता सही है आप उसे यहाँ पर एक पैरा में बनाकर इसी तरीके से लिखेंगे। अब है प्रश्न संख्या 17, इसमें क्या पूछा गया है? एन की डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को बयान करती है। डायरी के पन्ने के आधार पर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए। आतंकवाद मतलब किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, नाजी किस तरीके से जो है यहूदियों के ऊपर अत्याचार करते थे, तो ये एक आतंक का ही तो पर्याय है। तो वो सभी जो सामने रखा गया है ये चीज़ें आपको इसी पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि करनी है कि कैसे ये कथन सत्य है। तो वही सब चीजें हम कैसे लिखेंगे इनको देखिए। इसमें संदेह नहीं है कि एन की डायरी इतिहास के एक आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के अनुभव को अभिव्यक्त करती है। तो आतंकप्रद और दर्दनाक क्यों है? क्योंकि किस तरीके से जो है नाजियों द्वारा यहूदियों पर आतंकप्रद किया गया और दर्दनाक था यातना गृह में ले जाकर उनको तड़पाना, ये सभी कुछ चीजें। इस डायरी में के हिंदी अनुवाद की भूमिका में कहा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमलों का डर, पकड़े जाने का लगातार भय, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग हो जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुर्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो जो बोला गया एक मानव जीवन में जो सारी चीजें होती हैं वो सभी कुछ डायरी के ये जो 2-2.5 साल की जो डायरी लिखी गई थी उसमें हमें, सॉरी 4 साल की जो डायरी लिखी गई थी उसमें हमें सभी कुछ देखने को मिलता है। एन अपनी डायरी में एक जगह लिखती हैं कि पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायु यानों ने इजमुइज देन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। उस समय के अराजक वातावरण का उल्लेख करते हुए एन एक जगह लिखती हैं, उस समय लोगों को किसी भी प्रकार का आवश्यक सामान लेने के लिए लंबी पंक्तियों में खड़ा रहना पड़ता था। डॉक्टर अपने रोगियों को नहीं देख पाते थे क्योंकि क्षण भर में ही उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती थी। चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज ही खत्म हो गया था। तो अब देखिए कितना आतंकवाद और कितना भय था चारों तरफ। ये सारी चीजें आप मतलब एक दो वक्तव्य आप जरूरी है कि जो हमने लिखे हैं यही आप लिखें, आप ऐसे कई सारे वक्तव्य एन ने लिखे हैं जिन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना आतंकवाद और दर्द था उस समय। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या है? डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन द्वारा वर्णित सेंध मारों वाली घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो क्या हुआ था कि ये डचों द्वारा जो जितना चोरी चकारी हो रही थी तो एक बार इनके घर में भी सेंध, जहाँ पर ये लोग अज्ञातवास में छिपे हुए थे ना, तो भी वो सेंध लग गई थी। तो उसी घटना को आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए। एन अपनी डायरी में अज्ञातवास में रहते हुए कष्टदायी परिस्थितियों के साथ साथ सेंध मारों से भी संघर्ष करने के बारे में बताती है। सेंध मारों ने जब परेशान करना शुरू किया तब एन के पिता मिस्टर मानदान और पीटर जल्दी से नीचे गए।
एन मार्गरेट और उनकी माँ और मिसेज वागदान ऊपर सहमे हुए इंतजार कर रहे थे। एक तेज धमाके से इन लोगों के होश उड़ गए। नीचे सन्नाटा था और पुरुष लोग वहीं सेंधमारों के साथ जूझ रहे थे। डर से कांपने के बाद भी सभी लोग शांति से बैठे थे। लगभग 15 मिनट के बाद एन के पिता ने ऊपर आकर कहा कि तुम सब यहाँ की बत्तियाँ बंद करके छत पर चले जाओ। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि दूसरे धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे जाकर देखा तो गोदाम की तरफ का आधा भाग नहीं था। वह जल्दी से होम गार्ड को सचेत करने के लिए भागा। मिस्टर वान ने जोर जोर से पुलिस शोर मचाया तो सेंधमार डर के कारण भाग गए और गोदाम के फट्टे फिर से लगा दिए गए, परंतु कुछ ही देर बाद वे फिर से वापस आकर तोड़फोड़ करने लगे। उस भयानक रात को पुरुषों ने संघर्ष कर बड़ी मुश्किल से सबकी जान बचाई। तो ये पूरी घटना जो घटी थी, किस किस तरीके से सेंधमार आए थे और इन लोग डर गए थे, वो पूरी घटना को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19। हॉलैंड की तत्कालीन दशा के बारे में एन अपनी डायरी में क्या बताती है? हॉलैंड के बारे में जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है उसे आपको बताना। तत्कालीन यानी कि उस समय जब वो डायरी लिख रही थी तब की जो परिस्थिति उन्होंने लिखी है। हॉलैंड की तत्कालीन दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। एन अपनी डायरी में बताती है कि वहां के लोगों को सब्जियां और सामान लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। डॉक्टर भी अपने मरीजों को ढंग से नहीं देख पाते थे क्योंकि इतनी देर में उनकी कार और मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी। चोरी के डर से डच लोगों की अंगूठी तक पहनना छोड़ दिया था। लोग 5 मिनट के लिए भी घरों को नहीं छोड़ते थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी घर का सामान चुरा ले जाते थे। अखबारों में चोरी का सामान लौटाए जाने के विज्ञापन प्रत्येक दिन पढ़ने को मिलते थे। चोर गलियों में लगने वाली बिजली की घड़ियों को उतार कर ले जाते थे। सार्वजनिक टेलीफोन की भी चोरी हो जाती थी। चारों तरफ सिर्फ चोरी का वातावरण ही फल फूल रहा था। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा था। सरकारी कर्मचारियों पर हमलों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इस प्रकार कुल मिलाकर हॉलैंड की तत्कालीन दशा बहुत ही दयनीय थी। तो मतलब कैसे इतनी चोरियाँ बढ़ गई थी, पुरुषों को भी यहाँ से हटाया जा रहा था, तो सभी कुछ, क्योंकि जहाँ नाजी जिन पुरुषों पर निगाह रखे थे तो उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा था। तो और साथ ही ये चोरियां हर तरीके से बढ़ रही थी, चाहे आप सामान लेने जाओ, आप घर पे भी अगर 5 मिनट नहीं रहते हो तो भी, तो सभी चीज़ें, मतलब आप 5 मिनट घर नहीं छोड़ सकते, आप कुछ पहन नहीं सकते, इवन कपड़े भी आप लोग के चोरी हो जाते थे और इस चोरी गए कपड़ों का विज्ञापन पेपर में छपता था कि जो वापस देगा उसको इनाम मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है, एन ने डचों की नैतिकता पर क्या टिप्पणी के लिए, क्योंकि डचों ने एक तरीके से विश्वासघात ही किया था जो है यहूदियों के साथ में, तो ये जो इन्होंने किया इस पर उन्होंने जो टिप्पणी करी है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखा है, एन ने लिखा कि डच नैतिकता में बहुत खराब है। उनके सामने एक सप्ताह का राशन तो 2 दिन भी नहीं चल पाता है। वे पुरुषों को वो उनकी इच्छा के बिना जर्मनी भेज रहे थे। उनका ध्यान बीमार बच्चों तथा भूखे इंसानों की तरफ नहीं जाता था। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे क्योंकि लौटने पर उन्हें घर बर्बाद मिलेगा। गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले जाते। सार्वजनिक फोन के पुर्जे गायब हो जाते। जूतों की कमी हो गई तो उन्होंने काला बाजारी शुरू कर दी। काला बाजारी में नए जूते एक अतला 7.5 यानी कि 7.5 गिल्डर का मिलता था। इसके अतिरिक्त बहुत कम मोजी मरम्मत का काम करते थे। यदि वे करते भी थे तो 4 महीने इंतजार करना पड़ता था और इसी बीच जूता गायब हो जाता था। इस दुखदायी समय का डच लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। चोरी लूटपाट इतनी बढ़ गई कि डच लोगों ने अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया। छोटे छोटे बच्चे घरों की खिड़कियां तोड़कर घरों में चोरी के लिए घुस जाते। इस तरह चारों ओर अराजकता और नैतिकता का माहौल बना था। तो डचों ने क्या किया या फिर किस तरीके से हॉलैंड की दृष्टा थी, तो ये चीज़ें आपको दो वे से लिखने का, तो मटेरियल आपका वही रहेगा लेकिन डच क्या कर रहे थे ये बात होगी और दूसरा हॉलैंड में क्या चीज़ें हो रही थी ये चीज़ें, लगभग घट सेम ही चीज रही थी लेकिन एक करने के व्यू से है और एक झेलने के व्यू से है। तो दोनों चीजों को आपको उसी हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन आया है।
प्रश्न संख्या 21 है, अपनी डायरी में एन ने इमारत के बारे में क्या लिखा है, जिस इमारत में रह रही थी उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। अपनी डायरी में एन ने अपने पापा के ऑफिस की इमारत का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। तो जब वो वहाँ पहुँची थी तो किस तरीके से हॉल है, सीढ़ियाँ हैं, कमरे हैं, सभी चीज़ उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग में बताया था। तो उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इवन वही पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने आपके दिमाग में पूरा रेखांकित हो जाएगा, तो उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, उसे लगता है कि बाहर वालों के लिए उस इमारत को समझना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने 9 जुलाई 1942 को केवल उस इमारत के बारे में ही लिखा है। इमारत के तल पर बने बड़े से गोदाम के साथ वाली सीढ़ियों पर चढ़ते समय फ्रंट ऑफिस तथा बैक ऑफिस वाले कमरे आते हैं। इमारत में पहली मंजिल पर एक बड़ा रसोई घर भी है। दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर बने दरवाजे में गुप्त एनेक्सी की ओर जाया जा सकता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस दरवाजे के पीछे बहुत कमरे हो सकते हैं। इसमें रसोई घर, स्नान घर, सोने के कमरे तथा पढ़ने के कमरे इत्यादि सब कुछ है, जिससे कई लोग इसमें रह सकते हैं, और ऊपर तो एक बड़ा हवादार कमरा भी मिलता है। तो उन्होंने जहाँ पर उन लोगों ने इतने साल अज्ञातवास में गुजारे उसका बहुत ही सजीव चित्रण उन्होंने डायरी के शुरू में लिखा है, जब वो अज्ञातवास में पहुंची थी। तो उसी को पूरा यहाँ पर लिख दीजिए आप। प्रश्न संख्या 22 और हमारे इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, क्या है? एन फ्रैंक की डायरी की प्रसिद्धि के दो कारण बताइए। एन की जो डायरी इतनी फेमस हुई इसका क्या कारण रहा? कोई भी दो कारण आपको यहाँ पर बताने हैं, तो आप ऐसे लिखिए। देखिए, आपने डायरी को प्रसिद्धि के कई कारण समझ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ दो दिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसे भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो क्या है? एन फ्रैंक की डायरी की विशेषता यह है कि यह लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में अपना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को बयान करती है। यहाँ उस भयावह दौर की किसी इतिहासकार की निगाह नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ में संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूसरों से पूरी तरह अछूती भी है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुर्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। यही कारण है यह पुस्तक पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। तो देखिए, एक क्या कारण रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का ये जो है बहुत ही सजीव चित्रण एक अध्ययन के रूप में ये पढ़ा जाता है। दूसरा, ये तो जो एक तो जो लोग आपको बोलेंगे जो लोग अत्याचार कर रहे थे उनको बताया गया। दूसरा, एक ये जो लोग भोक्ता थे उन्होंने ये सारे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ये आतंक तो झेला ही झेला, साथ ही अपनी जो पर्सनल जो चीज़ें होती हैं उनको भी उन्होंने बहुत बमुश्किल से झेला। तो ये दो कारण थे, एक था वो आतंकवाद और दूसरा था अपनी मानवीय संवेदनाएं। ये सभी बहुत ही सजीव रूप से एन ने अपनी डायरी में लिखा, और यही दो चीज़ें जो हैं उनकी डायरी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण बनी। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट पेपर हमने ख़त्म किया। आई होप आपको ने जो जितने आंसर्स लिखे होंगे सभी आपके इससे मैच खाए होंगे, और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि जितना भी आप लिख रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा सा और लैंग्वेज और शब्दों में सुधार करते जाइए, आपकी भाषा बहुत ही उत्तम होती जाएगी। हमारे चैनल पे हम जैसे आपके लिए टेस्ट पेपर्स लेकर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, उसी तरीके से आपके पास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें जितनी भी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, जितने भी फेमस राइटर हैं, आपके CBSE के, आपके NCERT बुक्स के, इवन स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी के आपके पास यहाँ हमारे चैनल पे मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और प्रॉपर अरेंज है। आप हर जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें आपको अरेंज मटेरियल मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी वही अरेंज मटेरियल मिलेगा।
तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको आना है हमारे चैनल, यानी कि आपको ये यूट्यूब पे भी मिलेगा और हमारे चैनल मैग्नेट्स ब्रेन पर भी मिलेगा। तो magnetbrain.com पे आइए और सारा स्टडी, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल और साथ ही बहुत ही अच्छी टीचर्स के साथ में पढ़िए, ताकि आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत ही आसान बन जाए, क्योंकि हम सब यहीं इसी चीज़ के लिए प्रयास करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।